ऑल स्टूडेंट सीडी 203 थ्योरी ऑफ फैशन की यूनिट 5 सिलेक्शन ऑफ स्पेशल फैब्रिक के टॉपिक 5.8 कारपेट के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें कारपेट का प्रयोग घर को सजाने के लिए किया जाता है। ये कमरे की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। कारपेट कमरे की रंग योजना वे माप के अनुसार होना चाहिए, यानी उनके साइज के अनुसार चयन करना चाहिए। कारपेट का चयन करते समय रंग, आकार, उपयोगिता, रखरखाव, टिकाऊपन तथा सौंदर्यता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इसका निर्माण वूल, कॉटन, नायलॉन, जूट, कॉयर, पॉलिस्टर इत्यादि रेशों के लिए किया जाता है। गर्म प्रदेशों में ऊन व जानवरों के बालों से बनाए जाते हैं। छोटे कमरे या घरेलू उपयोग में छोटे कारपेट का प्रयोग किया जाता है। भारत में अधिकतर स्थानों पर तापमान गर्म रहता है, इसलिए एक्रेलिक रेशों से निर्मित दरी वह कारपेट का प्रयोग किया जाता है, ताकि इन्हें उठाकर सही ढंग से सफाई की जा सके। कारपेट की मजबूती कारपेट पर निर्भर निर्मित रेशों की ऊंचाई से बंधाव पर आधारित होती है। अतः पाइल की सघनता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। आजकल मशीनों द्वारा भी दरी व कारपेट के निर्माण किया जाने लगा है। कारपेट का चयन करते समय सीट अवरोधी परिसज्जा का ध्यान में रखना चाहिए। इन्हें लंबे समय तक चलने योग्य बनाने के लिए इनका उचित संरक्षण व देखरेख आवश्यक होता है। टाइम टाइम पर वैक्यूम क्लीनर द्वारा इनकी सफाई की जानी चाहिए। कारपेट पर लगे दाग धब्बों की सफाई तुरंत की जानी चाहिए, क्योंकि दाग धब्बे बाद में जम जाते हैं। समय समय पर कमरे की व्यवस्था परिवर्तित करने से यह दीर्घकालीन बना रहता है, यानी कारपेट लंबे समय तक चलता है। थैंक यू।